गाजीपुर की दिनभर की 5 सबसे बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बार एसोसिएशन जमनिया की बैठक बुधवार को अध्यक्ष अधिवक्ता गोरखनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें तहसीलदार के पेशकार शैलेंद्र सिंह यादव के विरुद्ध तथा तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वादकारियों का किए जा रहे शोषण के खिलाफ 22 सितंबर से चल रहे न्यायिक कार्य बहिष्कार पर चर्चा की गई। उप जिलाधिकारी जमनिया के तानाशाही रवैये पर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि उप जिलाधिकारी द्वारा समस्याओं के निराकरण के बजाय धमकी दिए जाने की एसोसिएशन ने घोर निंदा की है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि एसोसिएशन द्वारा दिए गए 7 सूत्री मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो 23 नवंबर को ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संचालन सचिव रामजी राम ने किया। अंत में अधिवक्ताओं ने तहसील गेट पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सक्षम अधिकारी को सौंपा। इस मौके पर उदय नारायण सिंह, दीनदयाल, सच्चिदानंद सिंह, संजय सिंह, घनश्याम कुशवाहा, ब्रजेश सिंह, फैसल होदा, मनीष राय, लखेश्वर सिंह, श्याम बिहारी सिंह आदि अधिवक्ता शामिल रहे। जमनिया कोतवाली परिसर में बुधवार को आगामी छठ पूजा को लेकर पीस कमेटी की बैठक उप जिला अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह एवं क्षेत्राधिकारी हितेंद्र कृष्ण की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि छठ पूजा सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही करें। कहा कि पूजा में आने वाले पुरुष, महिलाएं व बच्चे मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभासद पंकज निगम की शिकायत पर एसडीएम से स्टेशन बाजार से आने वाली सड़क पर स्थित कांशीराम आवास के पास फैले कूड़े के साथ साफ सफाई का ईओ को निर्देश दिया। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी हाल में डीजे नहीं बजेगा। पूजा के दौरान यदि कोई भी अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आएगी। बताया कि पूजा के दौरान नाविक व गोताखोर अपनी पूरी व्यवस्था के साथ गंगा नदी में भ्रमण करेंगे। सभी छठ घाटों पर बैरिकेडिंग व बिजली की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर एसडीओ बिजली विभाग विजय यादव, वरिष्ठ उप निरीक्षक मंशाराम गुप्ता, रेलवे चौकी प्रभारी अनिल कुमार पांडे, एसआई संतोष कुमार, एसआई मंजर अब्बास, एसआई विनय सिंह, एसआई सेनापति सिंह, देवरिया चौकी प्रभारी देवेंद्र बहादुर सिंह, प्रधान ऋषि यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सैदपुर थाना पुलिस को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली। उसने कार में भारी मात्रा में गांजा बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उप निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार ओझा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के पुलिस कर्मियों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर लुढ़ीपुर नहर सड़क के पार एक कार को रोका गया। तलाशी लेने पर उसमें से 15 किलो 500 ग्राम बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। बताया कि गिरफ्त में आया तस्कर क्षेत्र के औरिहार स्टेशन रोड निवासी शैलेंद्र सिंह है। संबंधित धाराओं में चालान कर उसे जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नागेश्वर प्रसाद तिवारी, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार सिंह, कांस्टेबल आशीष पटेल, कांस्टेबल धीरज सिंह, कांस्टेबल राजन कुमार, कांस्टेबल विमल कुशवाहा, कांस्टेबल कमल कुमार यादव और कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार शामिल रहे। यूसुफपुर सहकारी संघ भवन में बुधवार को सहकारिता विभाग की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें समितियों का एजीएम कराने व साधन सहकारी समितियों में लागू एक मुश्त समझौता योजना की प्रगति समीक्षा की गई। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी सहकारिता वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जून माह के प्रारंभ में एक मुश्त समझौता योजना जो दिसंबर 2020 में समाप्त हो रही है के तहत आने वाले ऋणी किसानों को शत प्रतिशत नोटिस तामिल कराकर उनसे संपर्क कर उन्हें इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से अवगत कराएं और उनसे सहमत पत्र प्राप्त कर अधिक से अधिक एनपीए ऋण की वसूली करें। शाखा प्रबंधक आनंद कुमार त्रिपाठी ने कहा कि समितियों की सामान्य निकाय की बैठक निर्धारित तिथियों पर अवश्य कराई जाए। समितियों में अंश ख के चेकों पर जो ऋण वितरण किया गया है उसका तत्काल समायोजन करा लिया जाए। ऋण की वसूली पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश देते हुए कहा कि जिन सदस्यों को ऋण दिया जाए उनका बचत खाता भी अनिवार्य रूप से बैंक में खुलवाया जाए। बैठक में अजय कुमार पांडे, चंद्रकेश सिंह यादव, पारसनाथ राम, रघुनाथ सिंह यादव, श्रीमन यादव आदि लोग उपस्थित रहे। नंदगंज थाना क्षेत्र के बढ़हरा गांव के सीवान में स्थित एक मकान को मंगलवार की रात चोरों ने खंगाला। इस दौरान 20,000 नकदी सहित 7.5 लाख के जेवरात और सामान ले उड़े। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की। मालूम हो कि हड़हरा गांव निवासी विजय कुमार ने सीवान में नया मकान का निर्माण कराया है। आसपास किसी अन्य का मकान नहीं है। रोज की तरह मंगलवार की रात भी परिवार के लोग खाना खाने के बाद सो गए। देर रात किसी समय किसी रास्ते से चोर मकान में दाखिल हो गए। कमरे में रखी 2 अटैची 5 बक्से उठा ले गए। 3 बजे के करीब महिलाएं जगी तो बक्सा और अटैची गायब देख उनके होश उड़ गए। वो शोर मचाने लगी। आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य के साथ ही पास पड़ोस के लोग की भी नींद टूट गई और वो मौके पर पहुंच गए।
पीड़ित ने तत्काल 112 पर पुलिस को घटना की सूचना दी। इसके बाद ग्रामीण इधर उधर चोरों की तलाश करने लगे। इसी बीच गांव से 500 मीटर की दूरी पर नहर में टूटा बक्सा और अटैची मिली। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। इसमें 4 सोने की चेन, 6 अंगूठी, 4 झुमके, 2 मंगलसूत्र व बक्से में रखा 20,000 नगद सहित कुल 7,50,000 रुपए की चोरी होना बताया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली, मामले की छानबीन करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही गिरफ्तारी कर मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।